गुफा का एंटर, इसे माता श्री वैष्णो देवी गुफा कहा जाता है। बोला शंकर भगवान की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक और इस नए ब्लॉग वीडियो में। जैसे कि आप जानते हो तुम्हारे भाई का नाम योगेश है। दोस्तों जो आज का ब्लॉग है वो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा भाई आज हाजिर हो गया दिल्ली के प्रीत विहार में। प्रीत विहार में एक बहुत शानदार सावन के महीने में एक मंदिर है जो सिख भक्तों को बहुत प्रेरित कर रहा है, जिसका नाम है सिख मंदिर गुफा वाला। तो ले चलते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, अभी मैं फिलहाल अपनी साइड पर हूँ, यहाँ पे पास ही में है, तो चलते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यही यदि मेरा ब्लॉग आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो भाई को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। देर ना करते तो आपको ले चलते हैं शिव मंदिर की ओर, आओ चलते हैं। यदि साथियों आप शिव मंदिर गुफा वाला घूमने के लिए आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो प्रीत विहार का है। यदि आना चाहते तो ब्लू लाइन से आ पाएंगे तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन वो प्रीत विहार का। यदि साथियों आप शिव मंदिर घूमने के लिए आना चाहते हैं, उसकी टाइमिंग है वो सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक है, फिर शाम को 5 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक है। तो गाइस इसकी टाइमिंग है, और लोकेशन की बात करें तो इस पर लोकेशन भी मेंशन है, जी ब्लॉक प्रीत विहार दिल्ली 92। तो गाइस ये इसकी लोकेशन है, और चलते फिर अंदर की ओर, ये है इसका एंट्री गेट, आओ फिर चले। तो गाइस आप देख रहे हैं कितना बड़े गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई है मूर्ति, तो चलते अंदर की ओर, यहाँ से आपकी एंट्री होगी, आओ फिर चलते हैं। और आप सामने देख रहे हैं बड़े गुफा वाला मंदिर, इसके अंदर चलेंगे, इसमें माता वैष्णो देवी की गुफा है और यहाँ पे ये एंट्री है, यहाँ पे भी भजन कीर्तन हो रहे हैं। और गाइस फाइनली अंदर एंटर कर लिया है, एंटर करने के साथ बहुत शानदार फीडबैक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पहले अपन शूज़ रख देते हैं लॉकर में, फिर आपको आगे मिलते हैं, चलते हैं। और गाइस ये है यहाँ पे लॉकर, तो आप यहाँ पे अपने शूज़ रख सकते हैं, ये लो। थैंक यू भैया, ये सेवा कर रहे हैं भैया, देखिए आप। और गाइस जैसे आप अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिखा है शिव मंदिर प्रीत विहार, यहाँ पे भी कथा चल रही है, अभी यहाँ पे चलेंगे अपन बाद में, तो पहले अंदर चलते हैं, यहाँ पे कथा हो रही है, आओ चले अंदर की ओर। देख सकते हैं आप संसार में पल आता है ना, तो पल के भाई का नाम है मन। तत्त्वस्य दर्शनम् तन्मध्ये भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। और गाइज आप देख रहे थे अंदर कितनी शानदार कथा चल रही थी, महाराज जी कथा सुना रहे थे, काफ़ी मज़ा आया हमको। और आपको बाहर से दिखाते हैं, गुफा को एक्सप्लोर करवाते हैं, तो चलते हैं और चले, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी मतलब शानदार मंदिर है ये प्रीत विहार में। इसमें मेरा भी यहाँ पे पास में काम चल रहा था, तो ये सब अपने भाई लोग हैं, ये सब आए हैं, चारों गाड़ी में बैठ के आए हैं, तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं अंदर की, काफ़ी मज़ा आएगा, तो चलते हैं। और गाइज यदि आप आते हैं तो आप यहाँ पे भगवान को प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, और आप देख लीजिएगा पोस्ट करके यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं उसके अनुसार, और यहाँ पे बढ़िया मतलब फीडबैक है। और आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये शानदार सामने हनुमान जी की मूर्ति है और राम लक्ष्मण श्री बैठे हुए हैं, और यहाँ से एक गुफा है जो माता वैष्णो देवी गुफा कहा जाता है, काफ़ी सारे लोग आते हैं अभी, मतलब काफ़ी हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ, और सावन का महीना है, सोमवार के दिन तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, जो शिव भक्त हैं वो काफ़ी आते हैं, तो भोले बाबा के भक्त तो हम भी हैं। तो देखिए आप सामने, तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। साथियों फाइनली अपन ने अंदर एंटर कर लिया है गुफा के अंदर, यहाँ से आपको चलते चलते गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। और आप सामने देख रहे हैं हनुमान जी, जान है अपनी शानदार, जानदार हमेशा हृदय में रह हुए हैं, तो चलते हैं यहाँ से एंट्री करते हैं, यहाँ से पहले आपको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। और देख सकते हैं कितना आलाशाही शानदार जानदार मतलब उसको बनाए गए हैं आप प्रीत विहार के अंदर, और ये गुफा है इसके अंदर भी चलेंगे अपन, तो फिर चलते हैं। और गाइस देख सकते हैं आप, मैं ऊपर आया हूँ और यहाँ से मतलब बड़े तरीके से मतलब उसको बनाया गया है, और काफ़ी आकर्षक लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे सोमवार के दिन सावन के महीने में, और प्रत्येक सोमवार को काफ़ी सारे भक्त आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं गणेश जी की मूर्ति है, और ये अपने श्री हनुमान जी। अब चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर, आपको दिखाते हैं बड़े तरीके से एक्सप्लोर करवाते हैं। गाइस अब चलते हैं नीचे की ओर, अब नीचे से दिखाते हैं आपको शानदार तरीके से, यहाँ से रास्ता काफ़ी मतलब दिलचस्प, काफ़ी शानदार मतलब कि छोटे छोटे रास्ते हैं सीढ़ियाँ से, तो चलते हैं नीचे की ओर, आओ फिर चलें। और आप देख रहे हैं यहाँ से आलाशाही शानदार जानदार, रात के समय मतलब कि यहाँ पे गर्मी में कुछ बात करी जाए तो शाम को जब अंधेरा हो जाता है मतलब कि फिर बहुत शानदार लगता हो, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग भी होती है,
बड़े तरीके से, छोटे छोटे पेड़ हैं और आप देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी शिवलिंग्स हैं, बहुत शानदार। यहाँ पे आके मन प्रसन्न हो गया, वैसे भी तो हम भोले के भक्त हैं और सामने आप देख सकते हैं भोले जी हैं, देखिए जय भोले की, बोल शंकर भगवान की जय। और गाइस आप देख रहे हैं एक मतलब कि परिषद निधि बन के टाइप में इसको यहाँ पे मतलब बनाया गया है और सामने श्री कृष्ण और राधा जी बैठी हुई हैं, बहुत शानदार। और यहाँ पे मतलब पानी भरा होता तो और शानदार लगता, लेकिन बहुत शानदार ही लग रहा है। सो गाइस काफ़ी शानदार जानदार मंदिर है शिव मंदिर। भाई ने बोला कि जा, मैं देख के आया हूँ, तो मैंने बोला मैं भी जाता हूँ, तो तुरंत उठा, मैं तुरंत फ़ोन उठाया और चलते आए। वो साइड भी बगल में चल रही थी, मैं चलो बना के आते हैं, एक ब्लॉग बड़े तरीके से बन भी जाएगा, कंटेंट भी तैयार हो जाएगा बड़े तरीके से। और काफ़ी शानदार मतलब यहाँ पे हमको लग रहा है, मौसम भी सुहावना हो रहा है, तो अभी पूरा एक्सप्लोर करेंगे, नीचे भी जाएंगे, नीचे से भी आपको दिखाएंगे। और गाइस देखिए आप गणेश जी, एक नंबर, काफ़ी शानदार कलाकृति है और बहुत बढ़िया। पाँव पड़ते पहले गणेश जी के पाँव पर लेते, बढ़िया, बहुत शानदार जानदार आला शाही। अब चलते नीचे की ओर, और गाइस अब आ गए हैं फाइनली नीचे की ओर। आप देख सकते कितने शानदार ये पत्थर है, चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब ये है शिवलिंग्स, कितनी सारी शिवलिंग्स हैं, बड़े बाबा देखिए आप कितने शानदार, मतलब यहाँ पानी चलता तो और शानदार लगता, और रात के टाइम पे अंधेरा हो जाता तो बहुत शानदार लगता होगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से आप करीब से देखिए, करीब से कितना आलाशाही शानदार ये श्री कृष्ण भगवान जी और उनकी शखियाँ। और यहाँ से देखिए हनुमान जी। और गाइज और साथियों आप देख सकते हैं गुफा में जाने का रास्ता या मार्ग, चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे देखिए आप कितना बढ़िया शानदार आला शाही जानदार ये ग्रेनाइट पत्थर शिवलिंग्स की टाइप में, और यहाँ पे भगवान अपने देखिए आप, तो पाँव पड़ते हैं पहले, पाँव पड़ लेते हैं, शानदार ये मतलब गुफा में बहुत शानदार मतलब कि मूर्तियाँ रखी गई हैं, तो मतलब दर्शन करने के लिए तो एक नंबर जगह होने वाली है। और सावन के महीने में आलाशाही जानदार बहुत शानदार ये मंदिर है शिव मंदिर जो प्रीत विहार में। तो यहाँ से अपन दर्शन करके आ गए हैं बाहर की ओर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्ली का बच्चा दिखा अपन को, देखिए आप ये है बिल्ली का बच्चा, देखो कितना छोटा सा है, अपनी तरफ मैंने पुचकारा तभी आया, आ जा आ। सो गाइस वो नहीं आ रहा, डर रहा है। अपन नीचे आए हैं और यहाँ से अपने गणपति बब्बा मोरिया परेशान करें मुझे छोरिया, और अपने गणेश जी देखिए, चलते हैं आगे की ओर, बड़े शानदार। यहाँ से अब चलना है, ये मार्ग है, तो चलते हैं आगे की ओर। और ये देखिए आप ये कितना आलाशाही शानदार यहाँ पे बनाया गया है रास्ता, छोटी छोटी रास्ते हैं, रास्ते में छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया पौधे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं पौधे के बीच में ये तुलसी। और यहाँ पे कई लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं, कुछ बांध के जाते हैं, और देखिए काफ़ी शानदार। अब चलते हैं भोले बाबा के पास, जिनका ये मंदिर है, जिनके नाम पे ये मंदिर का नाम रखा गया है, जो भोले बाबा हैं अपने, सावन के अवसर में, सावन के महीने में पावन अवसर पर भोले जी की पूजा हमेशा बढ़ चढ़ के की जाती है। और आप देख रहे हैं ये हैं बहुत शानदार आलाशाही यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जटाशंकर में जो एमपी में है उसी टाइप में मतलब उसको बनाया गया है, देखिए। शंकर भगवान की जय, जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। गाइस चलते आगे की ओर, प्रारंभ करते गुफा में चलते माता वैष्णो देवी की आप यात्रा करवा। और गाइस यहाँ से गुफा का एंटर,
इसे माता श्री वैष्णो देवी गुफा कहा जाता है। और पीछे देख रहे हैं आप हनुमान जी, यहाँ से मतलब बड़े लुक आ रहा है यहाँ पे देखिए आप। तो यहाँ से अपन अंदर एंटर करेंगे बड़े तरीके से। ये माता श्री वैष्णो देवी की गुफा है और आप देख सकते हैं कितना शानदार मतलब इसका प्रवेश द्वार बनाया गया है। एक आप देख सकते हैं शेर के रूप में, चीते के रूप में, और यहाँ से आपकी एंट्री होगी। चलो भाई ये शानदार, वो शंकर भगवान के, वो जयकारा वीर बजरंगे, वो शंकर भगवान की जय माता दी। चलते गाइस वहाँ पर अपने लक्ष्मी माँ के और संतोषी माँ के चलते हैं। शानदार गुफा है, चलते अंदर ओके। और गाइस चलते हैं आगे की ओर, मतलब वहाँ पे पुजारी दी थे उन्होंने मना कर दिया कि बेटा यहाँ पे आप वीडियो नहीं बना सकते, तो मैंने वहाँ पे मतलब क्लिप नहीं ली। लेकिन बहुत शानदार गुफा है, आप देख सकते हैं बासुकी नाराज जी और यहाँ पे काली माता हैं। शानदार देखिए आप, पाँव पड़ते हैं, मन में श्रद्धा लेते हैं और सब भाई अपने दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और गाइस जो कांवरिए हैं वो इसी मंदिर में अपनी कांवर बांध जाते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब झुला दी गई है कांवर। और यहाँ से चलते हैं गाइस, उस टाइम पे फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, फ़ोन दोबारा चार्ज करके दोबारा तुम्हारा भाई आ गया है ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि एक काम करना है तो बड़े तरीके से करना है बस यही अपना। और दोस्तों देखिए ये हैं अपने नंदी महाराज और ये है शिवलिंग, देख सकते हैं कितनी बड़े तरीके से मतलब इसको मतलब डेकोरेट किया गया है बड़े तरीके से। और बहुत शानदार आलाशाही यहाँ पे 15 तारीख को अभी जब कावरी आए तो जल विसर्जन हुआ और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे मतलब। और वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे माता हैं और देखिए यह शिवलिंग। और दोस्तों काफ़ी मेहनत लग रही है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, क्योंकि अभी घर पर गया नहाया धोया मैंने, दोबारा फ़ोन चार्ज करा, फिर दोबारा तुम्हारा भाई आ गया। तो होता ही ऐसे ही होता है हमारे साथ हमेशा, कभी फ़ोन साथ नहीं देता तो कभी कुछ साथ नहीं देता, कोई बात नहीं होता है। और गाइस ये है शिरडी के साईं बाबा, और गाइस आप देख रहे हैं ये है वैष्णो माता जी की गुफा और ये हनुमान जी। सो गाइस फाइनली पूरे दर्शन कर लिए, काफ़ी मज़ा आया। यदि ब्लॉग अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, फ़ोन दोबारा चार्ज किया घर पे जाके, फिर नहा धो के बढ़िया 9 बजे गाड़ी उठा के सीधे तुम्हारे लिए ब्लॉग बनाने आ गया भाई। तो एक लाइक बनता है, ऐसे मिलते जब तक के लिए जय हिंद, बंदे मातरम।